आई बरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रचार कर दिया ना अडानी अम्बानी जी का, और जो उन्होंने अपने मुंह से बातें बोली हैं। राय बरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन मना के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश की नगाज इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल, वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। लोग मन बना चुके हैं और ये जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है। और राहुल जी को मदद और आशीर्वाद देने के लिए पूरे रायबरेली के लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और 20 तारीख को भारी मतदान करके जिताएंगे उनको। सर, भाजपा का ये प्रचार ही हो रहा है, वायनाड चले गए, वायनाड से फिर अमेठी ना आकर अब रायबरेली आ रहे हैं, इसका भी प्रचार इस दोनों ही क्षेत्रों में, अमेठी रायबरेली में, दोनों में यही बात मुख्य। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री ने प्रचार कर दिया ना अडानी अम्बानी जी का, और जो उन्होंने अपने मुंह से बातें बोली हैं, उस पर कब एक्शन लेंगे? उन्होंने जो बोला कि काला धन टेम्पो में जा रहा है और पार्टी को मिल रहा है, तो जब वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उन पर जांच करानी चाहिए उनको, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और इतनी बड़ी बात बोली है, एक पब्लिक मंच से बोली है, इसका भी खुलासा होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे, जाँच कौन करेगा, कब तक उसका पता पड़ेगा। और ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो पूरे बैकफुट पे आ चुके हैं। अब आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं, लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनको मालूम है पिछड़ रहे हैं, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और जितनी जल्दी जमीन खिसक रही भाजपा की, उनको उम्मीद नहीं थी इतना यहाँ पे बढ़त हम लोग बनाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी बौखलाहट का मुझे एहसास उनके भाषणों में हो रहा है। राजस्थान से भी आपने कुछ लिया है क्या झटका राजस्थान? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो उत्तर भारत के जो जहाँ पे मुकाबला बाइपोलर है, जहाँ कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है, उन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी, बल्कि भाजपा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत कर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो हर राज्य में लूज ही कर रहे हैं ना, गेन कहाँ कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में राहुल जी के यहाँ से लड़ने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बहुत बल मिल रहा है। तो दो सवाल पूछना चाहूँगा, पहला ये कि प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा 5 साल में 5-5 नाम आएंगे, एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बना करेगा, ये भी सवाल पब्लिक रैलियों से उठाया उन्होंने। भाई वो अपने बारे में क्यों नहीं बताते कि 10 साल में हमने क्या किया, 10 साल में कितनी महंगाई कम करी, कितने रोजगार पैदा किए, कितना निवेश हुआ। अब ये बातें वो कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र के कर रहे हैं, कभी वो भैंस छीनने की कर रहे हैं, कभी वो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। और मैंने हमेशा देखा है लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष आरोप लगाता है, मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, और किस बात के आरोप हैं, बेबुनियाद, कोई सरपैर नहीं है, लेकिन बस माहौल खड़ा करने के लिए बातें बोली जा रही हैं। मंच पे आपको 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दिखानी चाहिए अपना, कि हमने ये काम किया, हमने किसान की आमदनी दुगनी करी कि नहीं करी, हमने 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, उस पर चर्चा तो करते नहीं है। चीन हमारी सीमा में कैसे घुस रहा है, उस पर कोई जवाब देते नहीं है। वो तो कभी राहुल जी पे अटैक करना है, कभी परिवार पे अटैक करना है, और मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की जो रणनीति है अब इस बार कामयाब नहीं होगी। आखिरी सवाल, क्योंकि सर आप एक बड़े स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के, और मेरे ख्याल सभी राज्य और राजस्थान आपका जो है कर्मभूमि है, इन दोनों जगहों पर जो है कांग्रेस का राजस्थान में तो पिछली बार खाता भी नहीं था, खुला था और बहुत नगण्य नंबर थे छत्तीसगढ़ में, पहले हुआ उसको भूल जाइए, वो अलग वातावरण था जब चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे एक अलग तरह का वातावरण बना हुआ था। इस बार भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ना सिर्फ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बाकी अन्य राज्यों के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ पे बाइपोलर कंटेस्ट है भाजपा कांग्रेस का, वहाँ हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा।